तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लाउन फिश के बारे में बताऊं। क्लाउन फिश का वैज्ञानिक नाम एमवी प्रियोनिने है और इस मछली को जोकर मछली भी बोलते हैं। पर इसे जोकर मछली क्यों बोलते हैं इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले हम इसके बारे में आपको कुछ और यूनिक बातें बताते हैं। इस मछली को तो आपने टीवी में देखा ही होगा, पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये मछली हमें रियल में देखने को कहां मिलेगी तो आप में से कुछ लोग कहेंगे समुद्र में, लेकिन कौन से समुद्र में? चलो इस बारे में बात करते हैं। ये हमें ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और लाल सागर में मिलेगी। समुद्री जीव विज्ञानियों के दौरान अभी तक 30 प्रकार की क्लाउन फिश के बारे में पता चला है। चलो अब जानते हैं क्लाउन फिश खाती क्या है। क्लाउन फिश एनीमोन फिश के साथ रहती है, जिससे कि एनीमोन फिश की भी जान बचती है और क्लाउन फिश की भी, क्योंकि क्लाउन फिश को एनीमोन फिश शिकारियों से बचाती है और क्लाउन फिश एनीमोन फिश के ऊपर लगे परजीवियों को खाकर उसकी जान बचाती है। परजीवी यानी कि जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि हमारे सिर पे लगे जुए जो हमारे सिर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलो अब हम आपको बताएंगे क्लाउन फिश को जोकर फिश क्यों बोलते हैं। दोस्तों जब आप किसी जोकर को देखते हो उसका मेकअप और कपड़े देख आपको हंसी आती होगी और आपके मन में ख्याल आते होंगे कि अब कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको हंसी आएगी, यानी कि कुछ करतब दिखाएगा, और वो करता भी है जिससे आपको खुशी मिलती है। इसी चीज को देखते हुए क्लाउन फिश, जिसका जोकर के समान रंगीन कलर होना और जब ये तैरती है तो अजीब सी छलांगे मारती हुई तैरती है, इसी चीज को देखते हुए इसे जोकर मछली भी कहने लगी। ये मछली समुद्र में 10 साल तक जिंदा रहती है, पर अगर इसे कैद में रखा जाए तो ये 3 से 5 साल के अंदर ही मर जाती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जितनी भी मछलियाँ पैदा होती है सारी की सारी उभयलिंग पैदा होती है। उभयलिंग का मतलब है बाइसेक्सुअल, कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी मछली मेल ही पैदा। चलो दोस्तों लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये मछली अपने अंडे कहाँ देती है? ये मछली अपने अंडे एनीमोन मछली के ऊपर घोंसला बनाकर उसमें देती है और ये पूरे साल अंडे देती है, पर इनकी प्रजनन क्षमता यानी कि रिप्रोडक्शन पावर पूर्णिमा के समय और तेज हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि इस समय ये और तेजी से बच्चे देती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिली है और आप चाहते हो कि आपको और भी इसी तरीके की नॉलेज मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।